एंड वेलकम बैक। सो आज का टॉपिक है एक पोएम, द हार्प ऑफ इंडिया बाय हेनरी डे रोजियो। ओके, तो ये पोएम है द हार्प ऑफ इंडिया, ये पेट्रियोटिक पोएम है जिसको लिखा है हेनरी डे रोजियो ने। इस पोएम में इंडिया के गोल्डन पास्ट को प्रेज करते हैं। ब्रिटिशर्स के आने की वजह से जो देश को लॉस हुआ था उसको ये हार्प से कंपेयर करके उस पोएम में बता रहे हैं। हेनरी लुइस विवियन डे रोजियो एक इंडियन पोर्टुगीज ओरिजिन के पोएट थे। ये असिस्टेंट हेडमास्टर भी थे हिंदू कॉलेज कोलकाता के। ये एक रेवोल्यूशनरी थिंकर थे अपने समय के, और ये इंडियन एजुकेटर्स में भी काफ़ी अच्छा नाम था इनका। इन्होंने वेस्टर्न लर्निंग और साइंस को बंगाल में फैलाया था। ओके, तो पोएम स्टार्ट करते हैं। व्हाई हैंगस दाउ लोनली ऑन योर विदर्ड बाओ। बाओ मतलब शाखा, विदर्ड मतलब मुरझाया हुआ। दाउ यहाँ पे हार्प को बोल रहे हैं, पर डीपर सेंस में ये इंडियंस को और भारतीय संस्कृति को बोल रहे हैं। पोएट क्वेश्चन करते हैं, क्यों तुम हार्प, क्यों अकेले तुम सूखी मुरझाई शाखा पे लटके हुए हो। मतलब अब हार्प का कोई यूज नहीं कर रहा है। अनस्ट्रंग फॉर एवर मस्ट दाउ देयर रिमेन। अनस्ट्रंग मीन्स खुला या एक तरीके से ढीला। हार्प तुम बहुत समय से खुले हुए, मतलब जो उसकी स्ट्रिंग्स है जिससे बजाते हैं, जो उसके तार होते हैं उसको अलग कर दिया है, वो खुला हुआ है, मतलब काफी समय से उसको बजाया नहीं गया है, पड़े हो और पड़े ही रहोगे। Thy music once sweet, who hears it now? Thy मतलब तेरा या तुम। तुम्हारे म्यूजिक एक टाइम पे स्वीट था, पर उसे अब कौन सुनेगा। Why doth the breeze high over thee in vain? अब जो हार्प के स्ट्रिंग्स है वो अलग है, तो जो हवा चल रही है उससे भी कोई म्यूजिक नहीं बन रही। उसके अगर स्ट्रिंग्स लगे होते तो अगर हवा चलती तो शायद कुछ म्यूजिक निकलती, बट वो है ही नहीं, अलग है, तो हवा चलने पे भी कोई म्यूजिक नहीं निकल रही, हवा चलना भी व्यर्थ है। वेन मतलब व्यर्थ। सिंस हैथ बाउंड दी विद हर फेटल चेन। साइलेंस ने तुम्हें बांध लिया है, चुप्पी ने तुम्हें बांध लिया है, फेटल मतलब घातक, चेन में। नेग्लेक्टेड म्यूट एंड डिसोलेट आर्ट दाउ। डिसोलेट मतलब उजड़ा। पोएट अब हार्प को बोल रहे हैं कि तुम्हें नजरअंदाज कर दिए गए हो, उजड़े हुए हो, चुप हो। लाइक रुइंड मोमेंटम ऑन डेजर्ट प्लेन। किसी डेजर्ट पे पड़े हुए खंडहर हो चुके स्मारक की तरह। इस तरीके से ब्रिटिश रूल में इंडिया को बोल रहे हैं कि इंडिया में, ब्रिटिश रूल में इंडिया कैसा हो गया था। ओ मैनी अ हैंड मोर वर्दी फार देन माइन। अब पोएट बोलते हैं मुझसे भी अच्छे पोएट भी थे, राइटर भी थे, मुझसे ज्यादा वर्दी जो पहले के टाइम पे थे वो मुझसे अच्छा लिख चुके हैं। वंस दाई हारमोनियस कॉर्ड्स टू स्वीटनेस गिव। अब हार्प को बोल रहे हैं कि तुम्हारे कॉर्ड्स ने किसी समय में बहुत अच्छी म्यूजिक दी थी। एक तरीके से इंडियन पोएट को भी बोल रहे हैं। एंड मैनी अ व्रत फॉर देम डिड फेम इंटवाइन। व्रत मीन्स माला, इंटवाइन मतलब गुथना, और कई फूलों की माला गुथी गई उनकी प्रसिद्धि के लिए। ऑफ फ्लावर्स स्टिल ब्लूमिंग ऑन द मिनिस्टर्स ग्रेव। पोइट्स की ग्रेव पे अब भी फूल खिलते, मतलब उनके जो वर्क है वो इतने ज्यादा अच्छे हैं कि लोग उनको अभी भी पढ़ते हैं उनके मरने के बाद भी। दूज हैंड्स आर कोल्ड बट इफ दाई नोट्स डिवाइन। अब जो कोल्ड हैंड्स मीन्स जो मर चुके हैं, पोएट तो मर चुके हैं पर उनके काम अभी भी इतने उच्च हैं और डिवाइन हैं। मे बी बाय मोर्टल वेकेंट वंस अगेन। मोर्टल मीन्स पोएट को बोल रहे हैं अपने काम से मोर्टल हो गए हैं, अमर हो गए हैं। मोर्टल मीन्स पोएट जो अपने काम से मोर्टल हो गए हैं, अमर हो गए, शायद वो वापस जिंदा होंगे। मतलब उन्होंने जैसे वर्क लिखे वैसे दूसरे भी वर्क लिखे जाएंगे, जो दूसरे पोएट्स राइटर हैं वो वैसे वर्क लिखेंगे जो कि डिवाइन हों। हार्प ऑफ माई कंट्री लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रेन। अब इंडिया को बोल रहे हैं हार्प ऑफ माई कंट्री मुझे भी ट्राई करने दो कुछ वर्क। ओके, तो पोएम कम्प्लीट हो गई। पोएट हार्प के जरिए इंडिया के बारे में बताते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया की समृद्धि के बारे में, और ब्रिटिशर के आने के बाद इंडिया की जो ग्लोरी कम हो गई वो उसके बारे में बताते हैं, वो अपने नजरिए से जो देखते हैं वो बताते हैं। इसकी मेन थीम ब्रिटिश रूल है। पोएम को 40 लाइन्स में लिखा गया है सोनेट के फॉर्म में। स्पेसिफिक राइम स्कीम पैटर्न, राइम स्कीम पैटर्न है ए बी ए बी बी ए बी सी डी सी टी सी ई ई। ओके, तो हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सी यू नेक्स्ट टाइम।